पानी का बहाव कई जगहों पर काफी ज्यादा तेज है। ये देखिए तस्वीरें मंडला की, जहां पर गाड़ी में ये युवक फंस गए और तेज बहाव के बीच, यानी कि पानी की लहरों के बीच इनकी कार फंस गई। उसके बाद जान बचाने के लिए इन्हें छत पर चढ़ना पड़ा गाड़ी की। उसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू किस तरह से किया गया ये हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से राज्य के राज्य परेशान है, लेकिन तस्वीरें ये मध्य प्रदेश के मंडला की हैं, जहां नर्मदा नदी की उफनती लहरों में कार सवार इस कदर फंस गए कि जान मुश्किल में आ गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां कार सवार गाड़ी की छत पर चढ़े हुए हैं और घंटों युवक छत पर बैठे रहे और मदद की इंतजार करते रहे। मंडला के पिकनिक स्पॉट सहस्त्रधारा में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से कार रास्ते में ही फंस गई। युवकों को बचा लिया गया, लेकिन इससे पहले युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी शोर मचाया। बाद में पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और घंटों के ऑपरेशन के बाद इन दोनों की जान बचाई जा सकी। ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि सावधानी इस वक्त काफी बरतनी चाहिए, उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां पर नदियां हैं, जहां पर तेज जलधाराएं हैं, क्योंकि कब ये आपकी जान पर बनाए ये आप सोच भी नहीं सकते। इसकी कल्पना भी करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि अचानक वहां पर तेज बहाव हो जाता है और आपकी गाड़ी इस तरह से फंस सकती है। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तो सड़क ही नजर नहीं आ रही, किस तरह से ये बाइक सवार चला रहा है अपनी बाइक को। ऐसा लग रहा है मानो किसी तेज पानी की धार के बीच बस ये बाइक सवार अपनी बाइक को निकाल पा रहा है। लेकिन जो लोग सड़क पार करना चाहते हैं, अपने घरों से निकले हैं, काफ़ी मुसीबत है, क्योंकि कहां पर गड्ढा है, कहां पर मैनहोल है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी है। छाते लेकर लोग निकले हैं, कोई बाइक लेकर निकला है, ज़रूरत का सामान, रोज़मर्रा का सामान मुहैया करने में काफ़ी दिक्कतें हैं। और ये उज्जैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से मंदिर बीच पानी में दिखाई दे रहा है, चारों ओर मंदिर के सिर्फ पानी है। एक वक्त ऐसा भी था जब मंदिर में लोग दर्शन के लिए जाते थे, यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ भी लगती थी, लेकिन इस वक्त नज़ारा बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है कि मंदिर नहीं बल्कि कोई टापू हो जो कि पानी की इस तेज धारा के बीच नजर आ रहा है। पेड़ पत्ती पौधे सब कुछ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है कि एक दिन के भीतर या फिर कुछ घंटे की दूरी के भीतर मंदिर का बस थोड़ा ही हिस्सा शेष रह जाता है। हेमेंद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे पहले हेमेंद का रुख करेंगे जो कि सीहोर से हमारे साथ हैं। हेमेंद, वहां पर अगर आप हमें तस्वीरों के जरिए समझा सके और बता सके कि क्या हाल है, किस तरह से हालात वहां पर खराब हैं और कैसे वहां पर इस वक्त प्रशासन अलर्ट पर है या लोगों को सूचना दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस जगहों से दूर रहें। जी देखिए, मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पिछले 12 घंटों से रुक रुक कर काफ़ी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा जो है वो काफ़ी जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जैसे कि आपने तस्वीरों में दिखाया, मंडला में स्थिति खराब है, बड़वानी में स्थिति खराब है, तीन लोगों के बहने की आशंका जो है बड़वानी में बताई गई। अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जगह जगह पर नर्मदा जो है खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा अन्य छोटी मोटी नदियाँ भी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी नाले जितने जो हैं वो उफान पर हैं, बारिश लगातार हो रही है। सीहोर भोपाल के बीच भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। भोपाल के बड़ा तालाब के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। सीहोर की कैलाश नदी उफान पर है और प्रशासन ने जो है तमाम स्कूलों को आज छुट्टी दी है, कहा है कोई स्कूल नहीं खुलेंगे। आशंका ये जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में काफ़ी भारी बारिश जो है इन मध्य प्रदेश के 32 जिलों में हो सकती है।